मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति का। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, हैं? लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए जाते हैं। एक भगवान शिव, देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13-14 कितने है? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है कोई तुमसे पूछ सकता है? तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है? बोलिए देव ऋषि नारद, क्या चाहते? चाहते क्या वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए, ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया, नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा, एक काम करो, जब सूर्य
मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए, भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो, 14 बाल्टी दो, 14 या प्लास्टिक का डब्बा दो, 14 है यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो, तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। और भी बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था, एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर यह मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास के बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननंद को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, जो सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो ये किसको देते हो? आप लोग किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे रहे हैं। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था। अभी कथा में कहा था कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए, सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करिए, आदर का भाव प्रकट। महाराज दो दिवस तक
संपूर्ण भारत की भूमि पर संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान के भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए।